जो सीधे नहीं बैठ सकते हैं दोनों हाथ पीछे रखें, श्वास भरते हुए पैर के पंजों को अंदर लें, दाएं अंदर अपनी तरफ दो, पीछे की तरफ एक, दो, एक, दो, पूरा प्रेशर दीजिए, नीचे जाने दीजिए। जैसे हम नीचे ले जाएंगे पूरे पे अच्छा खींचा हुआ है साइंटिफिक ढंग से, और अंदर लाएंगे ना तो और ज्यादा आता है। देखो आप जितना अंदर लाओ, एक, दो, एक, दो, संपन्न। अब अंगुलियां बेंड करें, दबाव दें, पूरा प्रेशर, ये पैर से रिलेटेड कोई भी तकलीफ के लिए जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूं ध्यान से देखें, समझे, करें। चाहे अंगुलियों में दर्द हो, पंजों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, काफ मसल्स में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, थाई में दर्द हो, हिप जॉइंट में दर्द हो, टोटल दर्द निकल जाते हैं इससे। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, जितना प्रेशर दे सकते उतना प्रेशर दिए। एक्यूप्रेशर के अनुसार टोटल पॉइंट्स यहाँ जो जितना प्रेशर आ रहा पॉइंट्स दब जाते हैं इसे। दो, संपन्न। अब पैरों को टकराएं, टकराएं अच्छे से, संपन्न। दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार घुमाएं 10 बार, पूरा गोल गोल घुमाएं। उल्टी दिशा में संपन्न। अब पैरों को दूरी, पैरों में दूरी बना लीजिए, एक फीट डेढ़ फीट, दोनों हाथ पीछे। अब राइट पैर को गोलाकार घुमाए, एक पैर को घुमाया, केवल राइट, पूरा गोल घुमाइए। उल्टी दिशा में लेफ्ट को घुमाए, उल्टी दिशा में। अब दोनों पैर एक साथ घुमाइए, यस, गोल गोल घुमाइए, गोल स्थिति में गोल घुमाओ, टखनों से गोल गोल, उल्टी दिशा में। संपन्न। अब वेरिकोज वेंस के लिए पैरों में फासला, दोनों हाथ पीछे, लेटा दो साइड में, एक, दो, अंगूठों को मिलाएं जमीन से टच, इसमें आप रुकिए। किसी भी चीज में रुकना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। वेरिकोज वेंस की तकलीफ हो केवल ये प्रयोग किया जाए, यदि रोज खाली एक प्रयोग, तो इससे भी फायदा मिलता है। अब पैरों को उठाकर पटकें, कफ मसल्स के लिए अच्छा, संपन्न। नी कैप, घुटने की ढकने को ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरते हुए, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, रुको इसमें थोड़ी देर,
दो एक दो संपन्न। घुटने की ढकने को पकड़ो ऐसे कटोरे नुमा और घुमाओ गोलाकार। उल्टी दिशा में संपन्न। राइट पैर फोल्ड करिए, लेफ्ट की थाई पर रखो, एड़ी को बाहर निकाल दो। अब लेफ्ट हैंड से पंजा पकड़ो, राइट से टकना, घुमाओ गोलाकार। उल्टी दिशा में इतनी सुंदर एक्सरसाइज है, यदि आप नियमित करोगे और गड्ढे में पैर भी गिर गया तो आपको मोच नहीं आएगी, क्रैक नहीं होएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना रोज डेली करने से। अब अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दो, आप सब में अंगुलियां फंसाओ, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाओ, पूरा प्रेशर दो। अब आप घुमाओ गोलाकार, उल्टी दिशा में अब झूला झुलाओ। बच्चे तो कैसे झूला झुलाते हैं, सिर्फ पैर को झूला झुलाओ, ये हिप जॉइंट खुल जाता है, इससे हिप जॉइंट में कोई तकलीफ हो ना दूर हो जाती है, ये हिप जॉइंट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अब गोलाकार घुमाओ, देखो मुझे ध्यान से, एक दो तीन चार पांच, उल्टी दिशा में, एक दो तीन चार पांच। अब दूसरे पैर से सेम, टकने से गोल गोल घुमाओ, उल्टी दिशा में, अब उंगलियां फंसाओ, घुमाओ गोलाकार। उल्टी दिशा में झूला झुलाओ। देखिए इसमें आप समझिए, लेफ्ट हैंड को सहारा दो घुटने को और इसको आराम से कंफर्टेबल होता है। अब घुमाओ गोलाकार, यस, एक दो तीन चार पांच, उल्टी दिशा में, एक दो तीन चार पांच, संपन्न। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे, पैरों में फासला, गर्दन पीछे, विश्राम की मुद्रा, टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, कहीं भी अकड़न ना रहे, तनाव ना रहे, रिलैक्स 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 रिलैक्स। सही, हाँ, पैर को फोल्ड करें, अंगूठा पकड़ो ऊपर, थोड़ी देर रुको, जिनसे नहीं हो रहा है अलग ढंग से कर सकते हैं। देखिए जिनसे नहीं होता है तो यहां से पैर को पकड़ो, ऐसे भी कर सकते हैं, और यहां से पकड़ने पर भी नहीं होता है तो थाई में लोक लगाकर ऐसे करो, तीन टाइप से कर सकते हैं हम इसमें, ये करो, ये सबसे सरल है, कोई भी कर सकता है। एक दो, एक दो, एक संपन्न। अब यहां से करो, कब मसल्स को पकड़ो, एक, थोड़ी देर रुको, दो, एक, पैरों की इतनी सुंदर एक्सरसाइज है कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी पैरों, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। अब अंगूठे वाला भी कर लो, जो कर सकते हैं वो कर लो, अपनी उम्र का, अपनी कैपेसिटी का सब ध्यान रखते हुए, यस,
हाथ घुटने पर भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा करो। एक नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एक दो, एक दो, संपन्न। अब लेफ्ट में से करेंगे थाई की एक्सरसाइज। पहले ऐसे लॉक लगाओ थाई के नीचे, ये आराम से होता है, सब कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। इसमें भी अगर नहीं हो रहा तो पैरों में वो ज्यादा तकलीफ, ऐसा समझ लो। एक दो, एक दो, एक दो। अब कब मसल्स को पकड़ो। यस, पंजा सामने की ओर। एक दो, एक दो, एक दो, एक संपन्न। अब अंगूठे वाला भी कर लो एक बार, होता उससे कर लो। एक थोड़ी देर रुको, दो, एक दो, एक दो, एक दो, संपन्न। अगर इन सब से नहीं हो रहा तो रुमाल का सहारा ले सकते हो, ये और बेस्ट। ऐसे रुमाल लगाओ और मजबूती से पकड़ो और ऐसे कर दो, ये बहुत इजी हो जाता है, ये कंफर्टेबल है। देख लो, नहीं कर तो कोई बात नहीं, देख लो आप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। एक दो, एक दो, एक संपन्न। दूसरे पैर से करो। एक दो, एक दो, एक दो, संपन्न। ये सभी एक्सरसाइज पैरों के लिए थी। जैसा कि मैंने कहा, पैर की अंगुलियों में, पंजों में, एड़ी में, एंकिल में, कब मसल्स में, घुटनों में, थाई में, हिप जॉइंट में, किसी भी तरह की तकलीफ हो, अगर ये एक्सरसाइज रोज करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। तो नियमित रूप से पैरों की एक्सरसाइज करिए। पैर बहुत महत्वपूर्ण है, पैरों के बिना काम नहीं चलता। पैर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप।